हेलो गाइस आयिया एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि सर मैं पढूं तो क्या पढूं कैसे पढूं तो ये सबसे बड़ा एक डाउट बच्चों के मन, मन में रहता है कि हाउ टू स्टडी क्या करना चाहिए सो लेट मी गिव यू वीकली टारगेट्स आई बिलीव इन वीकली टारगेट्स जो हम क्लास में कर रहे हैं बस है वही करते जाओ सी फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू जोमेट्री आज फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्राइंगस का क्लास है पब्लिक क्या करता है घर जाके परसेंटेज कर लेता है परसेंटेज कोई अलग ही टॉपिक लॉजिक भाई तुम्हारा ना ये कंप्लीट हो पाएगा ना ये कंप्लीट हो पाएगा सो इजी वे आउट इज वेर एवर आर टेकिंग कोचिंग दॉट फॉर सीटिंग स्टूडेंट इज माइड टू एवरी वन टेकिंग कोचिंग एनी वेर की प्लीज सिंक योर स्टडी विद वट इज डन द क्लासेस जो टॉपिक आपके क्लास में हो रहा है घर जाके घर पे वो आपको रिवाइज करना है यहाँ या, पे ए टॉपिक चल रहा है यहां पर बी टॉपिक कर रहे हो घर पे वो गड़बड़ो का

आई डोट नो आई डोंट केयर आप जॉब करते हो कॉलेज जाते हो गैप लेके बैठे हो मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे हफ्ते में ये टॉपिक खत्म करने ठीक है ठीके? कैट वालों का थोड़ा एडवांस चल रहा है थोड़े लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ बिकॉज कैट को टाइम कम है सीई वालों के लिए भी टाइम ज्यादा है तो नंबर ऑफ लेक्चर अभी थोड़ा कम है लेकिन हफ्ते में पांच दिन क्लासेस है छह दिन पांच दिन फाइव डेज क्लासेस है मंडे ट्यूजडे वे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ट्यूजडे एंड संडे छुट्टी है फाइव डेज एंड कैट वालों को सिक्स डेज अट है मुझे पता है एक, एक आधा क्लास मिस होगा ही आपका चाहे आप क्लासरूम में ज्वाइन कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो बट जिस दिन क्लास मिस होगा ना वो पिंच होगा कि अरे यार मेरा आज क्लास छूट गया सो देट इट मेक यू स्टडी मोर

तो पिंच होता है कभी कभी वो उल्टा भी हो सकता है यार कि सर मेरे को तो वैसे पिंच नहीं होता टॉपिक तो नहीं आता तो और चलता चल शुक्र है ठीक है अथरवा वही तो गेम है भैया वही तो गेम है एक बार आपको मेहनत करनी है भाई लाइफ सेट है तुम्हारी लाइफ एक बार आपको मेहनत कर लेना है तो उसके बाद जिंदगी भर का आराम है मेहनत तो बाद में भी करनी है पर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा थोड़ी बहुत इनकम तो आ रही है अच्छी खासी हाफ्टर एम बी ए ठीक है जी ऑल द बेस्ट